जबलपुर के बेलखाडू में परमहंस माता ललिता धाम में 10 फरवरी को एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना होने जा रही है। इस केंद्र की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कर कमलों से होगी। इसमें 1008 छात्रों के लिए रघुकुलम की स्थापना भी की जाएगी। गौरतलब है कि यह जमीन धीरेन्द्र गर्ग और ममता गर्ग ने दान की है। इसमें आध्यात्मिक केंद्र बनाने की तैयारी है और जल्दी यहाँ पर परमहंस माता ललिता धाम का भूमि पूजन होगा। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पधारेंगे। जबलपुर में हुई पत्रकार वार्ता में संजय गुरु धीरेन्द्र गर्ग मौजूद रहे। इसको धारणा है आपका, ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा मेरे को। वर्तमान में मैंने अपने बाप पूरा जीवन बाप के चरणों में समर्पित किया और उन्हीं के लिए जब मैं उनके सेवा पूछा करता था और उनको परिश्रम देखता था, उससे जन कल्याण और जन चेतना भी जागृत होगी, जिससे कि लोग बाप अपने माँ बाप के प्रति समर्पित होकर अपने जीवन का उद्धार कर लूंगा। उसका पूरा खाकर तैयार, ये जो इसका पूरा काम है ये भगवान जगत गुरु शंकराचार्य के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और उनके नेतृत्व में और उनके बताए हुए कर्मों पर हम सबको ये काम करना है, उसमें हम सब की सहभागिता निश्चित प्रस्तुत रहेगी। ये एक बहुत दिव्य और भव्य रूप में साकार होगी। क्षेत्र के श्री धीरेन्द्र गर्ग जी और उनकी श्रीमती ममता गर्ग जी ने अपनी माता परमहंस माता ललिता देवी की स्मृति में लगभग 8 एकड़ की भूमि बेलखाड़ू ग्राम में वहाँ पर स्वामी ज्योतिष पीठाधीश्वर जी को दान दी है। 10 तारीख को जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आगमन हो रहा है और उस भूमि पर 1008 विद्यार्थियों के लिए रघुकुलम की स्थापना, साथ ही वहाँ पर एक दिव्य मंदिर, गौशाला और साथ ही एक विशाल आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना जो निर्माण कार्य होना है उसकी भूमि पूजन का कार्य करने के लिए पूज्य शंकराचार्य जी का आगमन हो रहा है। साथ ही संत समागम होगा, हमारे संस्कारधानी के समस्त संतजन वहां पर उपस्थित होंगे। और चूंकि ये हमारा जो क्षेत्र है संस्कारधानी से लगा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र बोल रहे हैं, ये ज्योतिष पीठ के क्षेत्र अधिकार में आता है। 4 पीठ हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन जो हमारा क्षेत्र है ये ज्योतिष पीठ के क्षेत्राधिकार में आता है। और परम पूजनीय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब भूमि का मुआयना किया तो उन्होंने यह संकल्प भी लिया कि ज्योतिष पीठ से एक ज्योति के रूप में एक ध्वजा यहाँ पर स्थापित की जाएगी। चूँकि यह क्षेत्र ज्योतिष पीठ के अंतर्गत आता है तो एक ज्योतिष पीठ का अंश भी यहाँ पर एक स्थापित होगा और एक भव्य, न केवल प्रदेश स्तर का बल्कि देश स्तर का एक अलौकिक और दिव्य आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पर स्थापित होना है। परम पूजनीय ज्योतिष पीठाधीश्वर जी आकर के इसका भूमि पूजन करेंगे और जैसा उनका संकल्प है निश्चित रूप से अति शीघ्र यह निर्माण कार्य पूर्ण होगा और हम सबको एक विशाल और दिव्य आध्यात्मिक केंद्र देखने को मिलेगा। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।